विच इज द न्यू ब्रोकन ट्रूप इन क्लैश ऑफ क्लैंस, जिसको भाई आप किसी भी टाइप के बेस पर 3 स्टार करने के लिए यूज कर सकते हो। इससे पहले सुपर सेल इसे नर्फ करे, ये आर्मी आप सभी लोग एक बार जरूर ट्राई करना। काफी सिंपल सी आर्मी है, 13 ब्रूम विच और अपने 6 यहाँ पे मेगा ट्रूप्स। और हम लोग यहाँ पे जो हीरोज यूज कर रहे हैं, आप देख सकते हो मेरे हीरो और पेट्स के लेवल 66 का मेरा किंग है, लेवल 4 का फीनिक्स है, मेरे हीरो इक्विपमेंट भी मैक्स नहीं है। क्वीन मेरी थोड़ी डिसेंट लेवल की है, लेकिन पेट्स वंस अगेन मेरे मैक्स नहीं है। बाकी मेरे सारे हीरो इक्विपमेंट आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग जो अपना रेज जेम है इसको भी मैक्स कर रहे हैं, बिकॉज इस स्ट्रेटजी के अंदर वार्डन के साथ अगर आप रेज जेम यूज कर रहे हो तो सबसे बेटर रहेगा, बिकॉज ये पैसिव एबिलिटी रहती है, पूरे अटैक में काम करेगी। वीडियो में आगे हम लोग डिफरेंट हीरो इक्विपमेंट भी यूज करने वाले हैं, जैसे कि फायर बॉल से भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। फिलहाल कैसे अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड चलिए अब देखते हैं यहाँ पर अपनी जो ये न्यू अटैक स्ट्रेटजी, इसको मैं लेजेंड लीग में ट्राई कर रहा हूँ। तो लेजेंड लीग में आ चुके हैं, यहाँ पे ये एक बेस मिला है 2 विजार्ड टावर सेंटर में। तो सबसे पहले आपको बेस में एनालाइज करना है विजार्ड टावर कहाँ कहाँ पे, जितने पॉसिबल विजार्ड टावर बाहर की तरफ है उनको आपको बेसिकली ब्रूम विज से क्लियर कर लेना है। जैसे कि यहां पे 2 विजार्ड टावर बाहर की तरफ मुझे मिल जाएंगे तो इनको मैं निकाल दूंगा। इसके बाद हमारे हीरोज एंड अपने बाकी जो अपने मैका हैं इनसे हम थोड़ी फनलिंग करने की ट्राई करेंगे। थोड़े ऊपर साइड से किंग अपने को यहां डालते हैं, इसके पीछे हमारी क्वीन और फिर अपने मैका डाल देते हैं दोनों साइड से। तो यहाँ पे बेसिकली जो विजार्ड टावर है यहाँ पे ईगल आर्टिलरी के पास, ये भी अगर हमें मिल जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो फिर हम लोग सीधा कोर में जा सकते हैं अपने बाकी सारे ब्रूम विच के साथ। लेकिन बहुत ज्यादा वेट भी हमको यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि भाई यहाँ पे टाइम का भी इशू हो सकता है। तो हम लोग अब सारी की सारी अपनी ब्रूम विच यहाँ पे डाल चुके हैं, और पीछे से यहाँ पे वार्डन भी है, वार्डन का रेज जेम भी लगा है, हमने ब्लिंप भी डाल दिया फॉर दी टाउन हॉल। और हम लोग थोड़ी वार्डन की एबिलिटी इसलिए वेट कर रहे हैं बिकॉज ब्रूम विच थोड़ी आगे निकल गई है, अब परफेक्ट टाइम आएगा इस वार्डन की एबिलिटी देने का। और यहाँ पे आप देखो हमारे पास जो क्लोन स्पेल है, एक तो हम ब्लिम के आसपास यूज कर सकते हैं, ब्लिम के अंदर से जो यटीज निकलेंगे उनके लिए, और हम लोग यहाँ पे अपनी जो ब्रूम विच है उनके ऊपर भी यूज कर सकते हैं। एक मैंने जैसे ब्रूम विच पर यहाँ पे यूज कर लिया, एक हम लोग यहाँ पे ब्लिम के ऊपर डाल देते हैं, लास्ट वाला जो बचा है वो भी हम ब्रूम विच के लिए यूज कर लेते हैं। तो ये ब्रूम विच आपकी और ज्यादा क्लोन होकर आएंगी, जो कि ऑब्वियसली बहुत जल्दी जल्दी चीजों को क्लियर करेंगी। अब अपोनेंट रॉयल चैंपियन के लिए देखो, मैंने कोई यहाँ पे अपोनेंट हीरोज के लिए हेडहंटर वगैरह लेके नहीं आया था, जो कि आई थिंक यहाँ पे मुझे लेना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हेडहंटर जरूरी है तो आप हेडहंटर भी ऐड कर सकते। बाकी गाइस नेक्स्ट अटैक में हम लोग यहाँ पे फायर बॉल के साथ करने वाले हैं सेम आर्मी यूज, तो देखते हैं फायर बॉल के साथ हमें कैसा रिजल्ट देखने को मिलता है इस आर्मी से। तो यहाँ पे अपने 3 विजार्ड टावर जो अंदर है यहीं से अपने अटैक की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग मैक एंड अपने हीरो फनल क्रिएट कर रहे हैं, और दूसरी साइड से भी जो हमारे बेसिकली कुछ डिफेंस है उनको हम टारगेट करेंगे। एंड बाहर की तरफ 2 विजार्ड टावर है, बस इनको हमें निकालना है, फिर हम लोग अपना पूरा अटैक स्पैम मार देंगे। तो ये 2 विजार्ड टावर बस हम क्लियर करते हैं, और फिर अंदर की तरफ आप देखो 3 विजार्ड टावर है, तो वहां पर हम पूरी की पूरी आर्मी यहाँ पे अब स्पैम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वार्डन एंड पूरी आर्मी और लास्ट में ब्लिम को डालेंगे, साथ में इस बार हम फायर बॉल लेके आए, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा यहाँ पे। तो जैसी जो वार्डन की एबिलिटी है, वार्डन का ऑरा है, उसके बाहर जैसी ब्लिम्प जाने लगे तो आपको वार्डन की एबिलिटी दे देनी है, ताकि गलती से मिस ना हो जाए भाई ब्लिम्प। और अब यहाँ पे जो टाउन हॉल एकदम कॉर्नर में है तो वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा। हमारे पास जो क्लोन स्पेल है इनका यूज हम ब्रूम विच पे कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पे अपनी ब्लिम के पास ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रूम विच जो है वहां पे अच्छी खासी वैल्यू मिल रही है, इसलिए एक क्लोन स्पेल में भी हम ब्रूम विच पर डालेंगे। और जो आगे आप देखो टाउन हॉल हमको मिला नहीं है, जो कि थोड़ा कंसर्न है भाई कि टाउन हॉल नहीं मिला अब क्या होगा। तो वेल गाइस यहाँ पे मैं स्ट्रेटजी को सुबह से यूज कर रहा हूँ, काफी सारे अटैक्स में काफी गलती होने के बाद भी कितनी भी मैं कोशिश कर लूँ भाई कि मतलब अटैक फेल हो जाए तब भी 3 स्टार हो रहे हैं। फ्रेंडली चैलेंज में, हार्ड मोड में, कुछ भी आप लगा दो बहुत ही ईजिली गलतियां होने के बाद भी ये स्ट्रेटजी वर्क कर जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमारी ब्लिम टाउन हॉल तक नहीं पहुंची, फिर भी हमारे 2 हीरोज की एबिलिटी बची है, इतनी सारी हमारी ब्रूम विच बची है, और ऑब्वियसली बेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो वेल गाइस यहाँ पे मैं आपके साथ और भी अटैक रिप्ले शेयर करूंगा, लेकिन आप इतना समझ लो सुबह से मैंने जितने अटैक किए एक भी 2 स्टार नहीं हुआ। तो ये स्ट्रेटजी भाई लावालून की मुझे याद दिला रही है, लावालून जैसे ये भी ट्रूप बिल्कुल ब्रोकन है। बाकी गाइस अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू हियर प्लीज मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। इसके बाद मैंने काफी सारे अटैक किए थे, उनमें से ही एक ये अटैक है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो अपने विजार्ड टावर 2-3 बाहर की तरफ थे, तो पहले हम लोगों ने इन विजार्ड टावर को क्लियर किया, फिर इसके बाद जो अंदर की तरफ यहाँ पे अपने बेसिकली विजार्ड टावर थे, जो एक लास्ट विजार्ड टावर था जहाँ किंग है ना उस साइड पे, तो वहीं से हमने स्पैम करने का सोचा, लेकिन ये एक विजार्ड टावर भाई निकला ही नहीं, थोड़ी सी हेल्थ बच गई। फिर हमने 4 मैका इस साइड डाले अपने किंग क्वीन के साथ, और दोनों साइड से फनल क्रिएट करने के बाद बीच में सारी के सारी हमारी ब्रूम विच डाल दिया। ब्रूम विच साथ एक प्रॉब्लम ये कि बहुत तेज भागते हैं, इनका मूवमेंट स्पीड बहुत है, तो वार्डन इन तक कैचअप नहीं कर पाता है, तो थोड़ी सी इसमें दिक्कत आती है। बाकी हमने बीच में 2-3 क्लोन स्पेल जो थे हमने सब डाल दिए, क्लोन स्पेल वेस्ट नहीं होंगे यहाँ पे बिकॉज ब्रूम विच या फिर सीसी कोई ना कोई तो यहाँ पे भाई हो जाएगा कन्वर्ट अपने क्लोन स्पेल में। एंड अब इसके बाद यहाँ पे अपने बेस में जो बचा कुछ है भाई आपको पता ही है, बचना तो है नहीं, चाहे मैं बता रहा हूँ कितनी भी गलती कर लो
थ्री स्टार होगा ही होगा। बाकी गैस अपने मैंने मेन अकाउंट में जो मैं लेजेंड लीग के बेसिस यूज कर रहा हूँ, जिन पे लोग वन स्टार बहुत फेल करते हैं, इनके ऊपर भी मैंने स्ट्रेटजी को ट्राई किया भाई, और हर बार स्ट्रेटजी ने पूरे बेस को भाई तोड़ के रखा है। तो ये स्ट्रेटजी काफी ओवर पावर्ड है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी भाई चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जहाँ पे विजार्ड टावर मतलब थोड़ा अजीब जगह पे पोजीशन हो। तो अगर आपको इससे भी सिंपल अटैक स्ट्रेटजी चाहिए तो कल वाली वीडियो चेकआउट करो अपने न्यू मेका ट्रूप की स्ट्रेटजी, जहाँ पे लिटरली आपको विजार्ड टावर की भी कोई टेंशन नहीं करनी है, बहुत ही इजिली हर कोई बेस को आप थ्री स्टार कर सकते हो। मैंने हार्ड मोड पे अटैक करके लाइव दिखाया था, बाकी वीडियो आपके सामने ही, आपको बस क्लिक करके इसे देखना है। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्लैशिंग एंड पीस आउट।